नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे ओशो आश्रम के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। कई लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा है, मेरे फेसबुक पेज स्थाई खुशी की यात्रा में इनबॉक्स किया है, इनबॉक्स के द्वारा पूछा है, और मेरे जो यूट्यूब चैनल है खुशी मित्रा, उसके द्वारा भी कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपका आश्रम कहाँ है। दोस्तों, मैं सबको जवाब वैसे मैंने दे दिया है पर्सनली भी, और अभी मैं सामूहिक एक जवाब देना चाहती हूँ कि मेरे पास कोई ओशो आश्रम नहीं है। मैं ओशो आश्रम में गई थी साधना के लिए, और वहाँ पे कुछ लोगों ने मेरे वीडियोस बनाए और कुछ वीडियोस मैंने खुद शूट किए। तो ऐसा नहीं है कि वो मेरा आश्रम है, मैं वहाँ गई, और वो कोई एक आश्रम का भी नहीं है, अलग अलग आश्रम है। मैं 2-3 आश्रम में गई हूँ और उसके बाद मेरा आश्रम जाने की इच्छा ख़त्म हो गई है। अब बात आती है कि मेरे खुद के आश्रम की। मुझे कई लोगों ने कहा कि मैं एक आश्रम खोलूं। मैं भी चाहती थी या कहूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक आश्रम खोलूं। मेरे मन में इच्छा रही है कि मैं एक आश्रम खोलूं, एक ऐसी जगह हो, मैं भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं, एक जगह बनाऊं जहां पे एक माइंड के लोग वहां पे आएं, साधना करें, जिनकी मंशा है अपने आप को जानना, कुछ आध्यात्मिक तल पे यात्रा करना, अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसको बढ़ाना। तो ऐसे लोगों के लिए मैं चाहती थी कि एक आश्रम हो, है ना, जहाँ पे मैं उन ऐसे लोगों के बीच में रहूँ, तो मेरा भी विकास होगा, उनका भी विकास होगा, मैं दूसरों की भी मदद कर पाऊँ। लेकिन जब मैं ओशो आश्रम से घूम के आई, 3-4 ओशो आश्रम से, तो मेरी ये जो इच्छा है ओशो आश्रम चलाने की या खोलने की, वो बहुत ही मंद हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ कि ओशो आश्रम अगर मैं खोलती चलाती तो मेरे अकेले के बस की तो नहीं है, फाइनेंशियली भी मैं एक साधारण टीचर हूँ, तो मैं अकेले तो खोल नहीं सकती थी ओशो आश्रम। अगर मैं खोलती तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे फाइनेंशियली कॉपरेट करने के लिए तैयार थे, और उनका कहना था कि अगर हम ओशो आश्रम के लिए डोनेशन वगैरह की बात करेंगे तो डोनेशन भी मिल जाएगा। तो मेरे भी माइंड में सेट था कि हाँ, हम लोग आश्रम खोलेंगे एक और चलाएंगे। लेकिन जब मैं ओशो आश्रम से घूम के आई 3-4, तो मेरी जो ये इच्छा थी ओशो आश्रम खोलने की डोनेशन के थ्रू, ये ख़त्म हो गई। मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है कि जिस तरह से ओशो आश्रम चल रहे हैं, मैं वैसा काम नहीं कर सकती, मैं उस तरह से आश्रम नहीं चला सकती, मैं उस व्यवस्था को नहीं चला सकती, मेरे को मन में सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा, या फिर मेरी आत्मा मेरे को कचोटेगी अगर मैं इस तरह से आश्रम चलाऊँ जिस तरह से ओशो आश्रम चल रहा है। होता क्या है, आश्रम है ना, जब हम आश्रम की बात करते हैं तो हम एक ऐसी जगह खोज रहे हैं जहाँ हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए जा रहे हैं, और ओशो आश्रम जब या कोई भी आश्रम जब डोनेशन से बनता है तो वहाँ क्या होता है, एक बड़ा सा बोर्ड होता है जिस पे लिखा रहता है इस बंदे ने इतने लाख रुपए दिए, इस बंदे ने इतने लाख रुपए डोनेट किए। ये क्या कर रहे हैं हम ये बोर्ड बना के, अहंकार की पुष्टि? मैं नहीं समझती कि आश्रम को ये काम करना चाहिए। आश्रम में ऐसा काम होना चाहिए कि किसी के अहंकार की पुष्टि हो। अगर कोई डोनेट कर रहा है तो वो एकदम वो कहते हैं ना गुप्त दान, वैसा दान होना चाहिए, अहंकार की पुष्टि वाला दान नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे तो चलेगा नहीं, जब तक उसका नाम नहीं लिया जाएगा लोग डोनेट नहीं करेंगे। तो मैं किसी की अहंकार की पुष्टि के लिए आश्रम नहीं खोल सकती। दूसरी बात, ओशो आश्रम मैंने सोचा कि मैं एक शिविर ऑर्गेनाइज करूँ अपनी तरीके से, ना जो चीज़ मैंने कुछ चीज़ें अनुभव की हैं या जानी हैं, तो एकदम जो इनिशियल वाले होते हैं लोग, उनको मैं कुछ मदद कर पाऊँ, जो जो प्रॉब्लम्स मुझे आई हैं मेडिटेशन की लाइन में आने में या इस यात्रा को शुरू करने में, मेरे को जो रुकावट आई है, मेरे जो 5-7 साल एकदम बर्बाद हो गए हैं, वो दूसरे के ना हो, उसमें मदद करने के लिए मैंने सोचा कि मैं एक शिविर ऑर्गेनाइज करूँ। तो मैंने एक आश्रम से बात की कि शिविर मैं ऑर्गेनाइज करूँगी और उसमें सारी व्यवस्थाएं मेरी होगी, और आप मेरे को केवल जगह दीजिए, मेरे पास जगह नहीं है तो आप मेरे को जगह दीजिए। मेरा कहना था, वो रेडी थे, लेकिन उनका कहना था कि भोजन हमारा अपना होगा। मैंने बोला क्यों, भोजन आपका क्यों, और आपने जिस तरह से भोजन दिया है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ।
जो शिविर मैं कर रही हूँ वहाँ पे ध्यान का शिविर है, और वो वहाँ पे भोजन होटल में जिस तरह का खाना होता है और जो पार्टीज वगैरह में खाना होता है उस तरह का भोजन, अरे अब ध्यान में जाने से पहले व्यक्ति को इस तरह का भोजन करवाइएगा तो कैसे होगा। अब उनका कहना है कि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे भोजन करने के लिए, अगर हम अच्छा भोजन नहीं देंगे तो लोग नहीं आएगा। अरे अगर आपको अच्छा भोजन करना है तो होटल जाइए, आश्रम क्यों आएंगे आप। और अगर ऐसे लोग ध्यान करने आ रहे हैं तो ऐसे आश्रम का कोई मतलब नहीं है। आश्रम का मतलब रिजॉर्ट नहीं है, ध्यान आश्रम का मतलब रिजॉर्ट नहीं है। जहाँ आप छुट्टियाँ मनाने आए, ग्रंथियाँ टूटने आए, तो रिजॉर्ट चाहिए ना, चाहिए स्विमिंग पूल में वो कीजिए, जम्मू कश्मीर घूमिए। आप ध्यान करने आए हो और आप सुविधाएं खोज रहे हो, पेट को की संतुष्टि के लिए आए हो कि आत्मा की संतुष्टि के लिए आए हैं, उसको सोचना है। वैसे लोग क्यों आए आश्रम में, ना आए, लेकिन नहीं आएंगे तो नहीं चलेगा। आश्रम अगर आप खोलोगे, आपका जगह होगा, उसका मेंटेनेंस होगा, उसको देखने के लिए जो लोग लगेंगे उनमें पैसे लगेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एक बिजनेस बनेगा। बिजनेस तब चलेगा जब लोग अट्रैक्ट होके आएंगे, और लोग अट्रैक्ट होके तब आएंगे जब आप उनके मन की संतुष्टि करोगे। और मैं दूसरे के मन की संतुष्टि के लिए आश्रम नहीं खोल सकती, तो रिजॉर्ट खोलूंगी ना, फिर आश्रम क्यों कहूंगी उसको। ये तो उल्लू बनाना हुआ, मुझे उल्लू नहीं बनाना किसी को, ये खुद को और दूसरों को बेवकूफ़ बनाना हुआ उसको ध्यान आश्रम कहना कि हम ध्यान करा रहे हैं। उस ध्यान से कोई फायदा नहीं होगा। तीसरी, तो उन्होंने कहा कि भोजन हमारे हिसाब से होगा, तो मैंने कहा कि नहीं, भोजन तो मैं आपके हिसाब से नहीं रख सकती। अगर मैं भोजन रखूंगी तो मैं ऐसा भोजन रखूंगी जो मुझे मालूम है, जो ध्यान में मुझे मदद करता है, मैं वैसा भोजन रखूंगी। तो बोला कि लोग नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो शिविर सफल नहीं होगा, शिविर सफल नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। और क्यों आते हैं लोग ओशो सन्यासी, जो मैंने ऑब्जर्व किया है 3-4, माफ़ कीजिएगा, बुरा लगेगा हो सकता है, लेकिन वहाँ मुझे देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है वासनाग्रस्त लोग वहाँ पे आके जमा हो जाते हैं। खोजते हुए आके उनकी किसी ना किसी माँ को खोज रही होती है कि उनसे बात कर ले। अब वो लोग ये माइंड लेकर आते हैं कि ओशो आश्रम में जो महिलाएं आती है वो बहुत खुले माइंड की होती हैं, दे विल टॉक अबाउट वासना एंड कामना और काम एंड वो सब चीज़, तो उन सब चीज़ से बात करने में उनको मन लगता है, तो वो लोग उसके लिए आते हैं, माँ को स्वामी जी को देखने मिलने और आँखें सेकने के लिए वो लोग दिखाई देते हैं। मेरी बातें चुभ रही होंगी लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं ये सच कह रही हूँ, ये मैंने अनुभव किया है, वो बता रही हूँ मैं। तो उसको देख, अगर आपको आँखें ही सेकनी है तो आपके लिए सबसे बेटर स्थान है गोवा जाओ, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा देखने को मिलता है वहाँ पे, है ना। आश्रम में क्यों आए हो आप, खाने के लिए आए हो आश्रम में, आप आँखें सेकने के लिए आश्रम में आए हो, क्यों आए हो, ध्यान करने को क्यों, किसको धोखा दे रहे हो क्यों। तो वो अपने आप को धोखा देने वाले लोग मेरे आश्रम में आए, वैसे मैं चाहती भी नहीं मेरे आश्रम में। अगर मैं कभी आश्रम खोलूं, नहीं है तो अब मुझे डोनेशन से आश्रम नहीं खोलना है। जितनी मेरी कभी अगर औकात हो जाएगी कमाऊंगी। मेरे से किसी ने पूछा कि आप यूट्यूब पे किस लिए आए हो, तो शायद मेरे मन में कहीं ना कहीं आकांक्षा है कि मैं अपनी जो जॉब है, मेरे लिए काफ़ी है वो जॉब, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो उतना मैं कमा लेती हूँ जितना मेरा अपना पेट भर जाए। लेकिन अगर इससे ऊपर की एक्स्ट्रा मुझे कुछ करना है, मैं आश्रम खोलने लायक पैसा तो मेरे पास नहीं आता है, तो मैंने यूट्यूब चैनल वगैरह या फेसबुक पेज दो रीज़न से बनाया है। एक तो मैं वो चीज़ें शेयर करूँ, वो अनुभव शेयर करूँ जो मैं लोगों को देना चाहती हूँ, और दूसरा अगर इससे कभी इनकम आने लगी, परमात्मा अगर चाहा कि मैं आश्रम खोलूँ वैसा जो परमात्मा को असली में परमात्मा को चाहने वाले को परमात्मा की राह दिखाएगा, तो अगर वो ऐसा चाहेंगे परमात्मा, तो मेरा चैनल से जो YouTube या Facebook या इन सब चीज़ों से जो मेरे पास पैसा आएगा वो सारा पैसा मैं उसमें लगाऊंगी। और ऐसा आश्रम बनाना चाहती हूँ जहाँ पे 5 ही लोग आए, मुझे लोगों की संतुष्टि के लिए लोगों को नहीं बुलाना पड़े या उनको अट्रैक्ट करने की, जिसको ध्यान सीखना है, जिसको ध्यान करना है, अपने आप को जानना है, वही लोग वहाँ पे आए। वहाँ पे ना मैं बहुत पैसा भी लूँगी, मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत सस्ते में कर दूंगी, मैं पैसा लूँगी ताकि मैं आगे उसको आश्रम को डेवलप कर सकूँ, साधकों को जो जो चीज़ें साधना के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक माहौल क्रिएट कर सकूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा पैसा भी लूँगी।
मैं उनको सुविधाएं भी एकदम कम दूंगी, भोजन भी उतना ही दूंगी जो ध्यान के लिए जितना ज़रूरी है, और वैसा ही सादा भोजन, कोई स्पाइसी भोजन नहीं, कोई बहुत अच्छा भोजन नहीं, भोजन भी अच्छा नहीं दूंगी। उनको मन को संतुष्टि करने वाला कोई नियम वैसा रहेगा जहाँ पे आप ना मोबाइल छू सकते हो, मोबाइल आपका आते ही जमा हो जाएगा, आप मोबाइल नहीं छूओगे, क्योंकि मैंने भी देखा है, मैं भी आश्रम में जाती थी तो दूसरों का छोड़िए, मैं खुद की भी बात करती हूँ, मैं भी लगी रहती थी मोबाइल में, सेल्फी खींच रहे हैं एक दूसरे के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। यहाँ पे भी आके मोबाइल में लगेंगे तो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा, हम कैसे साफ होंगे, साफ ही नहीं पाएंगे। तो मोबाइल नहीं रहेगा, आपको मोबाइल नहीं छूना है, एक टाइम पे उठना है, एक टाइम पे सोना है, किस तरह से आपको आपके सोने उठने से लेकर सोने तक जब आप बिस्तर पे जाओगे तो भी योग निद्रा करके सोओगे, वैसा माहौल जहाँ पे सिर्फ आपकी यात्रा पूरी अंदर की तरफ हो, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो जो आपको बाहर की तरफ लाए, वहाँ कोई ऐसा बोर्ड ना ले जहाँ पे आपका नाम लिखा और लिखा हो कि आपने इतने लाख रुपए डोनेट किए और आपका ले जाओ, ये मेरा ही नाम है, मैंने दिए थे लिखा है, और उसके बाद आप सवाल करो कि मेरा, मैंने डोनेशन दिया है इस आश्रम में, लेकिन आश्रम में ये व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, नहीं दूंगी, कोई व्यवस्था नहीं दूंगी, केवल वो व्यवस्था दूंगी जो ध्यान के लिए ज़रूरी हो, मैं अपनी शर्तों पे वो शिविर चलाऊंगी, केवल उन्हीं लोगों के लिए जो सच में ध्यान के प्यासे हैं, अपनी आत्मा के प्यासे हैं, जो माफ़ कीजिएगा दोस्तों अगर मेरी बातें आपको चुभी हूँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई आश्रम हो या हो तो वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आदतें ब्रेक हो, जहाँ आपकी मोबाइल की आदतें छूटे, जहाँ आपके एक जो साधारण आप जीवन जी रहे हैं, जो आप जीवन जीते हैं उनकी आदतों में, अच्छी हो या बुरी हो, सब में एक ब्रेक लगे, आपके सोने का एक तरीका हो, आपके उठने का एक तरीका हो, और उठने से लेकर सोने के बीच तक की हर एक एक्टिविटी को एक ध्यान में बदला जा सके, अलग अलग एक्टिविटीज से ध्यान हो, अलग अलग प्रयोग हो जिससे आप अपने अंदर जा सकें। सबके लिए सब ध्यान फिट नहीं होते, मैंने अपने लिए एक ध्यान डिज़ाइन किया बहुत सारी टेक्निक से गुजरने के बाद, तो वो ध्यान जो मुझे सेटिस्फेक्शन देता है, वो सेटिस्फेक्शन मुझे आज तक और किसी ध्यान से नहीं हुई। हम साधक के रूप में जा रहे हैं, जब आश्रम जा रहे हैं तो एक साधक बन के जाएं, और आश्रम का माहौल भी ऐसा होना चाहिए जो साधना को बढ़ाए, वासना को नहीं। नमस्कार।